welcome to this video. And this video is going to be very interesting because this is one of the most crucial topic. ये topic अगर आप समझ लेते हो तो आप जो है ना अपने musical arsenal को बहुत strong कर पाओगे and आपके जो musical ideas है, जो thought process है, वो change हो जाएगी and you will be able to make a lot of melodies. Chord structure combinations करके आप नए नए गाने बना सकते हो and it is very very important for all the composers and musicians. चाहे वो guitarist हो, चाहे वो music में कुछ कर रहे हो या like harmonist या कुछ भी हो, कोई भी musician जो इस theory को नहीं जानता, नहीं समझता, वो अपने ideas को innovatively use नहीं कर पाएगा. Okay, so this is very interesting. प्लीज फोकस एंड ओपन योर ईयर्स. ये ईयर्स के ऊपर बहुत बड़ा ट्रिक प्ले करती है और किस तरीके से जो साउंड चेंज होता है वो हम यहाँ पर सीख लेंगे बेस्ड ऑन द फैक्ट द नोट्स विच वी हैव इन ऑल द मोड्स. ओके, सो लेट्स क्विकली डाइव इन. मोड्स में 7 मोड्स होते हैं. पहला है आयनियन, दूसरा है डोरियन, फिर है फ्रीजियन, फिर है लिडियन, देन इट्स मिक्सोलिडियन, देन इट्स एओलियन एंड लास्ट वन इज लोक्रियन. सो इसमें मैंने सारे नोट्स को लिख दिया है कि किस तरीके से नोट्स चेंज होती है और फंक्शन करती है. ओके, कि यहाँ पर जो नोट्स होते हैं 7 नोट्स 1 2 3 4 5 6 इन आयनियन दे आर अनचेंज. तो सी मेजर के लिए अगर हम लोग सोचेंगे, सी से हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नोट. ओके, सो सी डी ई एफ जी ए बी सी, ये जो है ना सी मेजर में आता है. ओके, दैट इज द ओपनिंग वन, रूट में बज रहा है, रूट से शुरू हो रहा है. ओके, नाउ दिस इज द रूट कॉर्ड. ध्यान रखिए, मैं ये फोकस करूंगा कि रूट कॉर्ड पर्टिकुलरली उस स्केल में क्या है एंड हाउ इट स्टार्ट्स विथ. ओके, दैट इज द पॉइंट हियर. सो नेक्स्ट वन इज डोरियन. डोरियन में देखिए 1 2 flatted 3 4 5 6 and flatted 7, ये जो है ना इसके रेस्पेक्ट पर चेंज हो रही है. हमें हमेशा एक बेस लेकर चलना पड़ेगा जिसके रेस्पेक्ट पर चेंज हो रही है टोनालिटीज. सो ये डोरियन जो है, ये नोट्स में अगर हम लोग सी से सी तक बजाएंगे तो नोट्स क्या हो जाएगी ये देख लेते हैं. तो सी डी ई फ्लैट एफ जी ए बी फ्लैट, जो कि बी फ्लैट मेजर स्केल से बहुत ही रिलेटेड है एंड द रीजन इज ये जो है ना सी माइनर है. This is minor tonality which comes after B flat major. B flat major के बाद जो chord आता है सारे गामा पा धा नी सा करके, वो है C minor. Okay, याद है आपको circle of fifth में मैंने बताया था कि एक particular scale में सबसे पहला जो root chord होता है वो major होता है, then it's minor, then again it's minor, फिर fourth में जो है major होता है and then fifth में again major होता है, फिर sixth में minor होता है जो कि relative minor होता है उस parent scale का. And the eighth one is diminished, जो कि कम ही use होता है, rarely use होता है. So that comes into play here. Okay, so ये Dorian जो है उस तरीके से यहाँ पर play हो रहा है. Next comes to Phrygian. So Phrygian 1 flatted 2 flatted 3 4th 5th flatted 6 and flatted 7. अब इसके लिए क्या-क्या notes हो जाएंगे? Based on the fact that ये notes जो है ना हमारा base है और उससे हम लोग change कर रहे हैं. Okay, now this is becoming, जो C हमारा major था यहाँ पर Dorian C हो गया and now it is Phrygian. अब ये Phrygian जो है, ये notes क्या क्या रहेंगे इसमें? C, D flat, E flat, F, G, A flat, B flat. अब ये सारे notes आप देखो के A flat major scale में आते हैं, right? अगर हम लोग सारे गामा पाधानी सा करके जाएंगे तो सा रे गा, ये गा में जो है ना C minor बजेगा. So this is the Phrygian. Okay, next comes the Lydian here. Now the Lydian here, क्या क्या notes हैं? 1 2 3 sharp 4th 5th 6th and 7th. Now let's see the notes. C D E F sharp G A B. Now we are very aware of the fact that ये जो sharp होती है, पहला जो sharp होता है वो G major scale में आता है, right? So अगर हम G major scale में जाएंगे तो G major scale में सारे गामा पा धा नी सा, G A B C D E F sharp G, right? इस तरीके से होता है. नोटिस कीजिएगा आप, C जब मैं बोल रहा हूं ये फोर्थ में आ रही है, राइट? सो दैट इज द रीजन दिस इज द फोर्थ. ओके, ये फोर्थ में आ रही है एंड द C टोनैलिटी वी आर गेटिंग इट्स ऑफ मेजर इन नेचर. ओके, C लिडियन यानी वो मेजर में है एंड इट्स गोइंग टू बी इन
G major scale. Okay, notes same है. Now let's see Mixolydian. Mixolydian में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 flat at 7. Notes में देखिए ध्यान दीजिए C D E F G A B flat and again we are going to come back to the C, right? So ये B flat जो है हमें पता है पहला जो flat scale होता है वो है F major scale, right? उसके notes देखिए ये same notes हैं and that is the reason we play again a major tonality Mixolydian major, right? It is going to be the fifth. अगर हम F major scale में जाएं तो F G A B flat C D E F, right? Let's see now Aeolian. Aeolian में 1, 2 flat 3, 4, 5 flat 6 and flat 7. Now again we are starting with C D E flat F G A flat B flat. अब ये सारे notes कहाँ आते हैं? E flat majors में, right? Now E flat major में C क्या होता है? Relative minor होता है. C minor is going to be the relative minor. That is the reason it is Aeolian here. Okay. Now let's come to the Locrian. The diminished sounding, जो diminished sound होता है, right? वो है Locrian. इसमें हमको पता चलता है. देखिए, 1, 2 flatted 2, flatted 3rd, 4th, flatted 5th, flatted 6th and flatted 7th. ये है diminished sounding and Locrian sounding. जब कोई Locrian sounding play करता है, tension वाला creation रहता है, I mean instances रहता है, वहाँ ये सब जो है ना notes play किया जाता है. And it belongs to which scale? Parent scale क्या है? वो D flat major scale है, उसका parent scale मैंने लिखा हुआ है. Now let me tell you, it all starts with C here, right? C C C C C से शुरू कर रहा हूँ और C से ही end कर रहा हूँ. Now I have not written here C. अगर सी से यहाँ पे सी लिखूंगा बाद में तो वो ऑक्टेव बन जाएगा, ये आपको पता ही है. सो नाउ बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये जो आयोनियन है ये एक पैरेंट स्केल में अगर हम लोग देखेंगे आयोनियन इज द फर्स्ट, ओके. डोरियन इज द सेकेंड, फ्रीजियन इज द थर्ड, लिडियन इज द फोर्थ, मैक्सोलिडियन इज द फिफ्थ, एओलियन इज द सिक्स्थ and Locrian is the seventh one. Okay, so sa re ga ma pa dha ni sa. So this is very interesting to understand how it actually acts. Okay, so dekhiye C hi change ho ja raha hai. I mean C ko maine liya hua hai, kabhi major ban raha hai, kabhi do bar teen bar minor bhi bana hai, lekin function kar raha hai alag tarike se, right? So यहां आपको नोटिस करने वाली बात है कि ये नोट्स से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ओके. तो बात ये है कि हम जब एक नोट से दूसरे नोट तक जाते हैं विथ चेंजिंग द फर्स्ट नोट, रूट चेंज कर देते हैं, तब ये जो मोड्स है उसकी जो इंपैक्ट बढ़ जाती है. कैसे? सी से सी तक किया तो आयोनियन हुआ, सी के बाद वाले जो नोट है सेकेंड नोट डोरियन हो जाता है. डी से सी मेजर स्केल के अंदर ही रह रहे हैं लेकिन डी से डी बजा रहे हैं, दैट बिकम्स डोरियन, ओके. देन अगेन हम अगर ई से ई तक बजाए सी मेजर स्केल के अंदर, दैट्स फ्रिजियन, ओके. फिर एफ से एफ तक बजाए तो वो हो गया लिडियन, एंड जी से जी तक बजाए विद इन सी मेजर स्केल इट्स बिकम्स मैक्सोलिडियन. नाउ अगेन ए से ए तक बजाए तो दैट बिकम्स एओलियन विद इन सी मेजर स्केल. और ये जो लास्ट में है Locrian, ये बी से बी तक अगर हम बजाए तो Locrian इन नेचर हो जाएगा. अगर हम सारे मोड्स को बैक टू बैक अगर प्ले करें विद इन वन पर्टिकुलर पेरेंट स्केल तो आपको पूरा पूरा लगेगा ये तो सारे मेजर स्केल के ही नोट्स है, इसमें डिफरेंट क्या है. लेकिन अगर हम सी को ही, एक पर्टिकुलर सी नोट को ही अगर हम लोग चेंज करें बेस्ड ऑन द मेजर स्केल्स, लाइक आई हैव डन यहाँ पर सी मेजर में मैंने लिखा हुआ है नोट्स, उसके बाद अब देखिए उस दूसरे पर्टिकुलर मोड में उसका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द साउंड्स विल चेंज. सो लेट्स गो अहेड एंड कनेक्ट विथ आवर एग्जांपल्स व्हिच वी हैव कवर्ड. आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट. Thank you.
you.